गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग जो है जीएस के कुछ क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, जो आपको पहले से ये क्वेश्चन शायद मिल भी चुके हैं। मैं फैज़ अहमद आज आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, हु हैज़ वन मैक्सिमम फिल्मफेयर अवार्ड एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। एक संगीत निदेशक के रूप में अधिकतम फिल्मफेयर अवार्ड या पुरस्कार किसने जीता? पहला ऑप्शन है ए आर रहमान, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तीसरा ऑप्शन है प्रीतम और नेक्स्ट ऑप्शन है एस डी बर्मन। तो पहला ऑप्शन आपका ए आर रहमान है, दूसरा लक्ष्मीकांत है, तीसरा जो है प्रीतम है, तीसरा और चौथा आपका है एस डी बर्मन। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर होगा ए आर रहमान। ए आर रहमान ने अब तक फिल्म फेयर अवार्ड जो जीते हैं वो 10 हैं। 10 फिल्म फेयर अवार्ड इन्होंने जीते हैं। अगर फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो फिल्म फेयर अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी ये 1954 में हुई थी, और अभी जो रिसेंट 2019 में, अगर हम 2019 में फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो ये था 64th नंबर का, और जिसमें बेस्ट फिल्म चुना गया है, बेस्ट फिल्म जो है चुना गया है राजी को। तो राजी जो है ये बेस्ट फिल्म रही है 2019 फिल्म फेयर अवार्ड में। तो आंसर क्या है आपका? ए आर रहमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आज़ादी ट्रैक्टर इंडिका इज द बायो बॉटनिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अदारी रचिता इंडिका निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम है? तो पहला ऑप्शन आपका है ब्लैकबेरी जामुन, अगला है आपका बनियान बर्गर, नेक्स्ट आपका है नीम और अगला ऑप्शन है आपका साइकस। तो अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करें तो जो थर्ड ऑप्शन जो नीम आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर है। नीम आपका ये राइट आंसर है, जबकि अगर हम लोग जामुन की बात करें या ब्लैकबेरी की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम है साइजी जीएम क्यू मिनी, बरगद का बटिकुलर नेम है आपका फाइकस और साइकस का बॉटनिकल नेम है सिकास जीबो लूटा। तो अगर जो है बॉटनिकल नेम हम जाते हैं नीम का, तो ये आपका है आज़ादी रास्ता इंडिका, जबकि ब्लैकबेरी का है साइजेजियम क्यूमिनी, बरगद का है फाइकस बेंगर रियम डिमस और साइकस का है साइकस डिवोल्यूटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी इज कॉल्ड। प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका है लूसीमीटर, अगला ऑप्शन है आपका क्रायोमीटर, नेक्स्ट आपका है कैनोमीटर और अगला आपका है बैरोमीटर। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं, बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए।
कमल वर्मा जी गुड इवनिंग, दुर्गेश जी गुड इवनिंग, आंसर दीजिए आप लोग। लाइट की इंटेंसिटी जो मीजर की जाती है उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर के साथ आप आंसर लिखें, ऑप्शन को क्वेश्चन नंबर के साथ। दुर्गेश कुमार 53 बी, दीप्ति वर्मा 53 ए। यस, ए ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। लूसीमीटर जो है ये जो है लाइट इंसिडी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग क्रायोमीटर की बात करें तो क्रायोमीटर जो है ये जो है मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है वेरी वेरी लो टेम्परेचर वेरी लो टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी वस्तु के न्यूनतम जो है टेम्परेचर को मापने के लिए क्रायोमीटर का यूज़ किया जाता है। जबकि साइनोमीटर का जो यूज़ होता है ये जो स्काई है ब्लू स्काई या जो आकाश है यहाँ पर जो कलर है इस कलर को मीजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि बैरोमीटर जो है ये इस्तेमाल किया जाता है एयर प्रेशर को मीजर करने के लिए, एयर एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए एनवायरनमेंट के अंदर। तो एनवायरनमेंट में एयर प्रेशर को यूज करने जो है मापने के लिए यूज किया जाता है बैरोमीटर, जबकि आकाश का नीला रंग मापने के लिए यूज किया जाता है साइनोमीटर, जबकि क्रायोमीटर जो है वो किसी भी वस्तु के जो न्यूनतम उसका टेम्परेचर है तापमान उसको मापने के लिए किया जाता है, जबकि लूसीमीटर है ये लाइट की इंटेंसिटी को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पेरिया पुरम इज अ वर्क ऑन, पेरिया पुराणम निम्न पर आधारित एक कार्य है। पहला ऑप्शन है बंगाल वैष्णव पर या वैष्णविज्म, तमिल शिवज्म या शैव तमिल शैव पर या कश्मीर शैविज्म कश्मीर शैव पर या पोस्ट गुप्ता वंश आप कह सकते हैं गुप्त वंश या राजवंश में। तो इसका आंसर क्या होगा 54 का? पेरिया पुरम को हम एक नाम से और कॉल करते हैं, इसको कहते हैं तिरुतंतर पुराणम के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। तो ये किससे संबंधित है आप लोग बताएं आंसर क्या होगा 54 का? आंसर होगा आपका तमिल शैवम। तो तमिल शैवम पर ये आधारित है, तो आपका आंसर जो है ये सेकेंड ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल का सदस्य
नहीं है। तो जो स्वतंत्र देशों का एक राष्ट्रमंडल जो है राष्ट्रमंडल है, उनमें से ये कौन सा देश है जो इसका मेंबर नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है अर्मेनिया, सेकेंड ऑप्शन है आपका बेलारूस, थर्ड ऑप्शन है आपका एस्टोनिया और फोर्थ ऑप्शन आपका है रसिया। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए, इसका अगर हम लोग राष्ट्रमंडल की बात करें तो ये जो स्वतंत्र राज्यों का जो राष्ट्रमंडल है, ये 1991 में बनाया गया था और इसके टोटल जो मेंबर्स हैं, ये टोटल मेंबर्स हैं 10, 10 सदस्य हैं। और एग्जैक्टली जो इस्टोनिया है वो इसका सदस्य नहीं है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो गोविंद कुमार 55 का डी दे रहे हैं, दीप्ति वर्मा 55 का डी दे रहे हैं। 55 का डी मीन्स रूस, और रूस इसका मेंबर है। इसका सही आंसर है एस्टोनिया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है स्वतंत्र देशों का जो कॉमनवेल्थ है, ये 1991 में बना था और इसके कुल मेंबर हैं 10, 10 मेंबर हैं, ओनली 10 मेंबर्स हैं, उसमें एस्टोनिया नहीं आता है, जबकि आर्मेनिया, बेलारूस, रूस इसके सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट इज। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, उन्हें कहते हैं। पहला है स्पेरोफाइटिक मृतजीवी, दूसरा है पैरासिटिक परजीवी, तीसरा है साइबो सिम्बो सिम्बायोटिक सहजीवी और अगला है आउटोट्रॉपिक स्वपोषी। तो आप बताइए आंसर क्या होगा? यहाँ है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, उन्हें कहते हैं, बताइए आंसर क्या होगा? तो आंसर इज बिपिन सिंह 56 बी। और लोग आंसर करें। चलिए, इसका आंसर है सहजीवी या सिंबायोटिक। सिंबायोटिक इसका आंसर है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। दीप्ति वर्मा बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, 56 का सी। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियर कोस्टल एरियाज टेम्परेचर ऑन लैंड इन डे टाइम गेट्स रिड्यूस ड्यू टू। तटीय क्षेत्रों के निकट के कारण दिन के समय भूमि का तापमान कम हो जाता है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें कि जब हम लोग तटीय क्षेत्रों की बात करते हैं, तो ये आपका लैंड एरिया है और ये आपका समुद्री एरिया है, ये आपका अरेबियन ओशन है, अरेबियन सी है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ये आपका इंडियन ओशन है। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये आपको पता है कि ये समुद्र से घिरा हुआ एरिया है। अब सीधी सी बात है कि ये जो एरिया है, ये आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। इसका मतलब हम ये इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो सन की रेजेज है वो जो है ज़्यादा पड़ती है। इसका मतलब ये जो भूमि का हिस्सा है, ये हीट जल्दी हो जाता है, ये हीट होता है। जबकि ये जो समुद्र है, समुद्र का जो एरिया है, तो इसका जो सतह है, ये सतह जो है वो
ठंडा होता है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो इससे क्या होता है कि जो भूमि क्षेत्र है वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, ये हीट जो है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? सी ब्रीज। तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। राहुल नाग जी आप आंसर दे रहे हैं ए, ए इज नॉट राइट आंसर। ए अगर की बात करें ये तब सही होता जब यहाँ पर दिन के बजाय नाइट की बात की गई होती। अगर नाइट ऑप्शन होता या सॉरी नाइट की बात की गई होती डे के बजाय, अगर यहाँ पर नाइट की बात होती तो ये ऑप्शन आपका ब्रिज लैंड ब्रिज सही होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर पूछा गया है डे के लिए इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो सी ब्रिज सही है। ठीक है गोविंद कुमार जी, आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दीप्ति वर्मा यस 57 का बी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द ड्रग ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर ह्यूमन बीइंग। निम्नलिखित में से कौन एक मनुष्य के लिए अंतिम उपाय की औषधि के रूप में काम करता है? तो इसमें पहला ऑप्शन आपका है पेंसिलिन, दूसरा ऑप्शन है आपका टेट्रासाइक्लिन, अगला आपका है क्लोरो फिनिकॉल और अगला आपका है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं, बताइए इनमें से क्या सही होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द ड्रग ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, मतलब वो कौन सी मेडिसिन या दवा है जो के लिए जो मनुष्य के लिए एक अंतिम उपाय या ये कहें अंतिम औषधि होती है, इस औषधि को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? अंकुर यादव ए। और लोग आंसर दें। चलिए इसका आंसर जो है वो है क्लोराम फेनिकॉल। क्लोराम फेनिकॉल ये एक अंतिम जो है कह सकते हैं कि मेडिसिन के रूप में यूज की जाती है। मतलब जब किसी भी मनुष्य पर बाकी सारी मेडिसिन काम करना बंद कर देती है, मतलब उन सारी मेडिसिन का कोई फायदा उस जो है बीमार व्यक्ति को या जो पर्सन तो बीमार है उसको नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये लास्ट ऑप्शन के रूप में दी जाती है। जबकि अगर हम पेंसिलिन की बात करें, अगर हम टेट्रासाइक्लिन की बात करें या स्ट्रेप्टोमाइसिन की बात करें, तो ये तीनों जो हैं ये एक एंटीबायोटिक हैं, ये एंटीबायोटिक के रूप में दी जाती है। जबकि ये जो दवा है आपकी ये उस कंडीशन में दी जाती है जब कोई भी दवा उस व्यक्ति पर काम करना बंद कर देती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 का विपिन सिंह जी ए दे रहे हैं, गोविंद कुमार ए। तो इसका आंसर जो है वो सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटरी डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सी एक आनुवंशिक बीमारी है? तो आनुवंशिक बीमारी के रूप में अगर हम देखें जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया है कैटरैक्ट, कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद, या हिमोफीलिया, अगला है पेलेग्रा और अगला है ऑस्टेपोरोसिस। ऑस्टेपोरोसिस तो आनुवंशिक बीमारी की बात कर रहा है, हेरिडिटरी की, हेरिडिटरी डिजीज कौन सी है? तो हेरिडिटरी डिजीज जो है ऐसी डिजीज जो माता पिता से जो है बच्चों में आती है जिसको हम वंशानुगत कहते हैं। तो वंशानुगत बीमारी की अगर बात करें तो ये हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो वंशानुगत होती है। और इस बीमारी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है शरीर के अंदर, ये ब्लड का जो थक्का है ये थक्का जमना बंद हो जाता है, मतलब ब्लड जो है वो गाढ़ा होना बंद हो जाता है। और इसका मतलब ये है कि अगर आपको थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो जो ब्लड का रिसाव है वो जल्दी बंद
नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे अंकुर कुमार यादव बी आंसर दे रहे हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो हेमोफीलिया बी ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेन कॉज ऑफ एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम सन। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकसित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो पहला ऑप्शन आपका जो दिया है यह है न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। अगला है न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विलय या संलयन इसको कहेंगे। और अगला है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। और अगला है आपका डिफ्यूजन रिएक्शन, रासायनिक डिफ्यूजन अभिक्रिया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकसित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? तो इसका आंसर है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन इसका आंसर है। सूर्य में जो एनर्जी होती है इसका ये मुख्य कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पर्धा एकेडमी में आपका ये जो अभी खंड शिक्षा विकास जयकर शिक्षा अधिकारी का जो बैच है ये शुरू होने वाला है 13 जनवरी को। इस बैच की टाइमिंग होगी सुबह 8 से 11 और शाम को 4 से 7 के बीच में। आप जो है चाहें तो इन बैचेस के लिए आकर डेमो भी ले सकते हैं, ये लगातार डेमो चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सिख सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा भारतीय दर्शन शास्त्र की 6 प्रणालियों का भाग नहीं है? तो मीमांसा एंड वेदांता। दूसरा ऑप्शन आपका है नैना एंड वैशेषिक। और अगला आपका है लोकायता एंड कैपिलिका। और अगला ऑप्शन ऑप्शन आपका है सांख्य एंड योग। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? दर्शन शास्त्र में आपको पता है कि कुल 6 प्रणालियां हैं, 6 सिस्टम यहाँ पर काम करते हैं। और इन 6 सिस्टम में आपका जो है ये नैना भी है, आपका वैशेषिक भी है, आपका जो है सांख्य भी है, योगा भी है, मीमांसा भी है और वेदांता भी है। तो इट मीन्स जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन नहीं है। लोकायत और कपिलक ये नहीं है इन 6 सिस्टम के अंदर। तो इस तरह से जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेंडल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आर बेस्ड ऑन, मेंडल का अनुवांशिक सिद्धांत आधारित है। तो मेंडल का जो अनुवांशिक सिद्धांत है वो आपको पता है कि जेनेटिक बेस्ड है। और इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वनस्पति प्रजनन पर, सेक्सुअल प्रोडक्शन पर, अलैंगिक प्रजनन पर या सेक्सुअल प्रोडक्शन यौन प्रजनन पर, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और इसका जो है सिद्धांत जो है पारित हुआ था 1866 में, 1866 में ये पारित हुआ था। और ये जो सिद्धांत है ये प्लांट
के साथ साथ एनिमल पर भी कार्य करता है। तो इसका आंसर जो है वो थर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्यतः कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका है डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा है लैपटॉप कंप्यूटर, थर्ड है आपका सुपर कंप्यूटर, फोर्थ वेब सर्वर। तो ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमेशा यूज किया जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर पर। तो जो पहला ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर एन मल्होत्रा कमेटी इज एसोसिएटेड विथ। आर एन मल्होत्रा समिति संबंधित है। पहला ऑप्शन है सिख इंडस्ट्रीज या रुगण उद्योग से, दूसरा है आपका टैक्स रिफॉर्म कर सुधार से, तीसरा आपका है इंश्योरेंस सेक्टर बीमा क्षेत्र से, और अगला आपका है बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग जो है क्षेत्र से। तो आर एन मल्होत्रा कमेटी की अगर हम लोग बात करें तो आर एन मल्होत्रा कमेटी जो है ये किससे एसोसिएटेड है? तो ध्यान रखिएगा आर एन मल्होत्रा कमेटी जो है ये इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है। तो इंश्योरेंस सेक्टर, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सिख इंडस्ट्रीज के लिए तो सिख इंडस्ट्रीज के लिए एक कमेटी आई थी जिसको हम लोग कहते हैं ओमकार गोस्वामी कमेटी। कर सुधार की अगर बात करें तो कमेटी का नाम है राजा जे चलैया कमेटी, और बैंकिंग सेक्टर में है नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी से रिलेटेड है। तो इस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड जो कमेटी है इसका नाम है आर एन मल्होत्रा कमेटी। तो ये जो आपका ऑप्शन है सी, ये राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है नेशनल रिन्यूएबल फंड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन किस प्रयोजन के लिए किया गया था? राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन किस प्रयोजन के लिए किया गया था? तो पहला ऑप्शन आपका है प्रोवाइडिंग पेंशन फॉर रिटायरिंग एम्प्लॉइज, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए, दूसरा है आपका सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुधार के लिए, अगला आपका है रूरल रिकंस्ट्रक्शन ग्रामीण पुनः निर्माण करने के लिए, और अगला आपका है रिकंस्ट्रक्शन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो आपका जो राइट आंसर है ये राइट आंसर है आपका रिकंस्ट्रक्शन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। इस फंड को, ये जो फंड की बात हो रही है नेशनल रिन्यूअल फंड, इस फंड को बनाया गया था 1992 में, और आपको पता है कि 1991 में भारत के अंदर पहला ये कहें कि पहला एक बड़ा सुधार हुआ था इकोनॉमिक। वैसे भारत में कई सारे इकोनॉमिक सुधार हुए, उनमें सबसे जो है कह सकते हैं ये बड़ा सुधार जो है वो 1991 में शुरू हुआ जब भारत ने एलपीजी सिस्टम की शुरुआत की। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन मतलब उदारीकरण जो है, निजीकरण और पूंजीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी दौर में शुरू हुआ था, और इसी के बाद ये फंड बनाया गया था। तो इसका मेन उद्देश्य था रिकंस्ट्रक्शन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द नेशनल डिवॉर्मिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपका है फरवरी 13, अगला ऑप्शन है फरवरी 10, अगला ऑप्शन है फरवरी 12, अगला ऑप्शन है अक्टूबर 2। तो यहाँ पर जो आंसर है ये आंसर है आपका फरवरी 10, 10 फरवरी इसका आंसर है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये
जो नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया जाता है, इसका उद्देश्य होता है वन ईयर टू 19 ईयर एज के जो बच्चे हैं, मीन्स जो बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, चाइल्ड ना कहें, तो ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों की आंतों में जो कीड़े होते हैं, इनको इनके लिए ये इनसे जो उनको संक्रमण या जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाने के लिए ये हर साल मनाया जाता है। तो हर साल 10 फरवरी को ये सेलिब्रेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फोर्थ शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, भारत के संविधान की चौथी सूची या अनुसूची किससे संबंध रखती है? पहला ऑप्शन है प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा ऑप्शन है एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अगला ऑप्शन है द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट, और अगला ऑप्शन है रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो पहला ऑप्शन आप ध्यान दीजिएगा, क्या क्या प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध दिए हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, तो यहाँ पर विधान परिषद लिखा है, या ध्यान दीजिएगा ये विधान परिषद ना होकर इसको हम लोग लिखेंगे राज्यसभा, ये राज्यसभा है क्योंकि यहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात की जा रही है, तो राज्यसभा है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात होती है। यहाँ पर कहा गया है द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जबकि अगला ऑप्शन है रिकॉग्नाइज लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट, भारतीय संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, फोर्थ शेड्यूल की, और फोर्थ शेड्यूल जो रिलेटेड है वो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है ये आपका राइट ऑप्शन है। तो सूची, अगर हम लोग बात करें कि टोटल शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने शेड्यूल्स हैं, हाउ मेनी शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर हम लोग प्रेजेंट के हिसाब से बात करें तो प्रेजेंट में हमारे पास जो कुल शेड्यूल हैं वो हैं 12 शेड्यूल हैं, लेकिन जब मूल संविधान की बात करते हैं, जब संविधान बना था तब इसमें जो है टोटल जो शेड्यूल थे वो थे 8, तो प्रेजेंट टाइम में 12 हैं, अभी जो है 12 हैं, पहले इसमें 8 हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुंगलू कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाई द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री द्वारा शुंगलू समिति किस लिए बनाई गई थी? तो शुंगलू समिति ड्राफ्ट दी जन लोकपाल, जन लोकपाल विधेयक के प्रारूप के लिए, लुक, नेक्स्ट ऑप्शन है लुक इन टू द करप्शन चार्जेस इन द कंडक्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए, अगला ऑप्शन है लुक इन टू टेलीकॉम स्कैम, दूर संचार घोटालों में जांच के लिए, और अगला ऑप्शन है इंक्वायरी इन टू फोन टैपिंग एमिड टू कॉरपोरेट लॉबिस्ट स्कैंडल, कॉरपोरेट लॉबिस्ट घोटाले के बीच फोन टैपिंग की जांच के लिए। तो शुंगलू कमेटी, अगर हम लोग शुंगलू कमेटी की बात करें तो शुंगलू कमेटी बनाने के पीछे उद्देश्य था कॉमनवेल्थ गेम में जो करप्शन या घोटाला हुआ था 2010 में, भारत में 2010 में कॉमनवेल्थ में जो है गेम हुआ था, और ये कॉमनवेल्थ गेम था 19th नंबर का, 19वां कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, और इसमें करप्शन जो है की बात आई थी कि इसमें काफ़ी करप्शन हुआ है, और इसी की जांच के लिए शुंगलू कमेटी बनाई गई थी। तो ये जो बी ऑप्शन है आपका, जो लुक इनटू द करप्शन चार्जेस एंड द कंडक्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, भारत के लोकपाल और लोकायुक्त का पद निम्नलिखित में से आधारित होता है। पहला ऑप्शन है पार्लियामेंट्री कमिश्नर ऑफ यूके, ब्रिटेन के संसदीय आयुक्त पर, अगला का है ऑम्बुड्समैन इस स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया में लोकपाल पर, प्रोक्यूरेटर जनरल ऑफ रशिया, रूस के प्रोक्यूरेटर जनरल पर, और अगला आपका ऑप्शन है काउंसिल ऑफ स्टेट इन फ्रांस।
तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका आंसर होगा ओम्बुड्समैन इन स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया में लोकपाल पद, तो भारत में के लोकपाल और लोकायुक्त का पद जो लिया गया है वो यहीं से लिया गया है। लोकपाल आपको पता होना चाहिए कि हम लोकपाल की बात करते हैं तो ये सेंट्रल लेवल पर होता है, सेंट्रल लेवल, जबकि जो लोकायुक्त है ये स्टेट लेवल पर होता है और इसका काम होता है जो है लोकपाल और लोकायुक्त का सेंट्रल लेवल पर या जो स्टेट लेवल पर मिनिस्टर्स हैं या फिर बहुत सारे अधिकारी हैं उनके द्वारा जो करप्शन होता है उसको कंट्रोल करना या उसकी जांच करना। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो पहला ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर है, दूसरा सरपंच है, तीसरा आपका गवर्नर है, चौथा आपका मेयर है। तो इसका आंसर क्या होगा, मेयर होगा। नगर निगम का जो चेयरमैन होता है या जो हेड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। रोटेशनल एक्सिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज हाईली टिल्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है। तो अगर हम लोग एक्सिस की बात करें तो आपको पता है जैसे पहला ऑप्शन आपका अर्थ है, दूसरा यूरेनस है, तीसरा आपका न्यूपच्यून है, चौथा आपका जुपिटर है। तो ये जितने भी प्लैनेट हैं ये अपने एक्सिस पर झुके हुए हैं। जैसे आपको पता है कि पृथ्वी का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री है। अगर हम बात करें कि यूरेनस का झुकाव कितना है, तो यूरेनस का जो झुकाव है वो जो टिल्ड है वो 98 डिग्री है। जबकि अगर हम नेपच्यून की बात करें तो ये जो है 28.32 डिग्री झुका हुआ है। और अगर हम बृहस्पति की बात करें या फिर हम जुपिटर की बात करें तो ये 3.13 डिग्री। तो यहाँ पर कहा गया है कि अत्यधिक झुका हुआ है, ठीक है, हाईली टिल्ड की बात है। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए, 98 डिग्री सबसे ज़्यादा झुका हुआ क्या है, यूरेनस है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही है, यूरेनस मतलब अरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोशलिज्म रिफर टू, समाजवाद से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन आपका है स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, राज्य नियंत्रित या राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था, लिक्विडेशन ऑफ द बोर्गेज, पूंजीपति वर्ग के परिसमापन, और अगला नेक्स्ट आपका है रिमूवल ऑफ पेजेंट्री फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से किसानों को हटाना, और अगला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप, तानाशाही की स्थापना। तो सोशलिज्म, आप ध्यान दीजिए सोशलिज्म क्या होता है। आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, तो इकोनॉमी की टाइप में जो मेनली हम जो हम लोग पढ़ते हैं वो एक होती है कैपिटल इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और दूसरी होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जिसको हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और ये आपकी जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ये अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ओपन होती है, ओपन इकोनॉमी इसीलिए इसको कहा जाता है। और इस इकोनॉमी के अंदर जो प्रोड्यूसर जो है ये फ्री होता है प्रोडक्शन के लिए कि इसे क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, उसका प्राइस क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड जो है वो प्रोड्यूसर करने का काम करता है। लेकिन सोशलिस्टिक इकोनॉमी में इसका उल्टा होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो क्लोज्ड इकोनॉमी जैसी होती है,
क्लोज इकोनॉमी हम लोग कह सकते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जैसी जो है चीज़ें नहीं देखते हैं, और यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर जो है ये फ्री नहीं होता है। क्या प्रोडक्शन किया जाएगा, कितना प्रोडक्शन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें स्टेट डिसाइड करती है, या फिर कह सकते हैं कि देश या गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से सरकार के अंडर कंट्रोल में होती है, और इस तरह से आप जो है ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। सोशलिज्म में स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी होती है, हर चीज़ पर अधिकार किसका होता है, सरकार का होता है। तो इस तरह से ए जो ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मच इज द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स, किन्हीं दो निरंतर देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो आपको पता है कि यहाँ पर देशांतर की बात की गई है, जैसे आपका यह ग्लोब है, या आपका नॉर्थ पोल है, या आपका साउथ पोल है। तो ये जो रेखाएं गई हैं, इन रेखाओं के बीच जो टाइम होता है, ये टाइम होता है एग्जैक्टली 4 मिनट, 4 मिनट का समय होता है। ये 24 रेखाएं होती हैं, 360 डिग्री आपको पता है टोटल होता है, 24 कुल लाइनें हैं। तो ये एक एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच 15 डिग्री का जो है अंतर होता है, और एग्जैक्टली ये 15 डिग्री बार बार 4 मिनट। तीनों चीज़ें होती है, भौतिक मात्रा भी होती है, मौलिक मात्रा भी होती है, और अदिश मात्रा भी होती है। ठीक है, तो इसमें कोई दिशा, अदिश का मतलब इसमें कोई दिशा निर्धारित नहीं होती है। तो आपका जो ऑप्शन है वो डी है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च शहीद ग्राम विकास योजना टू प्रोवाइड हाउस टू फ्रीडम फाइटर्स, किस मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों को मकान देने के लिए शहीद ग्राम विकास योजना का प्रारंभ किया है? पहला ऑप्शन आपका चंद्रबाबू नायडू, दूसरा आपका है पेमा खांडू, तीसरा आपका है रघुवर दास, अगला आपका है शिवराज सिंह चौहान। तो ये स्कीम जो है ये झारखंड गवर्नमेंट की है, झारखंड गवर्नमेंट ने इस स्कीम को शुरू किया था, शहीद ग्राम जो है विकास योजना को, और ये स्कीम रघुवर दास ने शुरू की थी। लेकिन आपको पता है कि झारखंड में अब जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो चुकी है। तो अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट सीएम, तो इसके प्रेजेंट सीएम कौन है? हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन इसके प्रेजेंट चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एलिफेंटा केव इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो पहला ऑप्शन है एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका नासिक, दूसरा है आपका कोल्हापुर, तीसरा आपका पुणे, चौथा आपका मुंबई। तो ये जो एलिफेंटा केव्स हैं, ये एलिफेंटा केव जो है ये मुंबई में हैं, ठीक है। और ये जो एलिफेंटा केव हैं, ये गॉड शिव या भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। तो कहाँ पर है? मुंबई में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग टाइड्स अकर व्हेन, वसंत ज्वार तब आते हैं जब द मून द सन एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं, द सन इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, अगला ऑप्शन है द मून इज फार्देस्ट फ्रॉम अर्थ, सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर होता है, नेक्स्ट है द अर्थ इज द राइट एंगल्स विद द सन एंड द मून, पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं, पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला ऑप्शन है ये आपका राइट ऑप्शन है, कि स्प्रिंग टाइड्स वसंत ज्वार तब आता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, सेम लाइन में, तब ये अकर होता है या होता है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, विच मूवी गॉट द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन 2017 आईफा अवार्ड, किस
किस फिल्म को वर्ष 2017 में आईफा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो ध्यान दीजिए, ये पुराना क्वेश्चन है, ये 2017 आईफा की बात कर रहा है, और 2017 आईफा में जो पुरस्कार मिला था वो नीरजा को मिला था, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि 2019 में आईफा अवार्ड किस मूवी को मिला है, 2019 में, तो 2019 में आईफा अवार्ड जीता है राजी ने, राजी जो मूवी थी इसने जीता है, और इसकी डायरेक्टर भी आपको शायद पता होगा, इसकी डायरेक्टर है मेघना गुलजार। मेघना गुलजार इसकी डायरेक्टर हैं, राजी। तो इस मूवी को 2019 में दिया गया है। आईफा, आईफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। चलिए, और इसकी शुरुआत हुई थी ईयर 2000 में, तो वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। 2019 में राजी को दिया गया है, जिसकी डायरेक्टर है मेघना गुलजार। 2017 में किसे मिला था? नीरजा को मिला था। तो ये ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 degree ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू, अक्षांश का एक अंश बराबर होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है 11 किलोमीटर, अगला ऑप्शन है 2 11 किलोमीटर, वन है 1 11 किलोमीटर, और थर्ड 3 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर, 211 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 311 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, जैसे ये आपका 0 degree इक्वेटर हो गया, अब जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल की ओर बढ़ेंगे या फिर आप साउथ पोल की ओर बढ़ेंगे, तो ये आपको अक्षांश रेखाएं मिलेंगी। इनकी खासियत होती है कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाती हैं, ये छोटी होती चली जाती हैं, लेकिन इनके बीच का जो गैप है, ये जो गैप है ये हमेशा इक्वल होता है, और ये जो गैप होता है ये होता है 111 किलोमीटर लमसम। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, ये राइट ऑप्शन है। तो अगर पूछा जाए कि जो है किसी एक लैटिट्यूड के बीच कितना जो है अंतर, कितने किलोमीटर का जो है दूरी होगी, अंतर होगा, तो आंसर है 111 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त एंड समुद्रगुप्त वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त किस वंश के शासक थे? तो पहला ऑप्शन है आपका नंद, दूसरा ऑप्शन है मुगल, तीसरा ऑप्शन है गुप्ता, चौथा आपका है हर्यक। तो आपको पता है कि ये चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त की बात कर रहा है, तो गुप्त लिखा है तो वैसा ही आप जान जाएंगे कि ये गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड हैं। नंद में आपने एक नाम सुना होगा घनानंद, घनानंद इसका शासक था। मुगल आपने देखा कि इसकी शुरुआत बाबर ने की थी, और गुप्ता डायनेस्टी में ये चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त जो है कई सारे जो है सम्राट हुए हैं, और हर्यक वंश में एक शासक मिलते हैं बिंबसार, काफी चर्चित है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर जो है वो सी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 1 MB इक्वल टू 1024 KB पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 1 GB इक्वल टू 10,240 MB, 1 TB या TB इक्वल टू 1024 GB, और 1 KB इक्वल टू 1025 bytes। तो आपने देखा है कि आप डेटा भी डलवाते होंगे, या आपने जो मोबाइल रिचार्ज कराया होगा उसमें जो इंटरनेट का डेटा आता है, आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में 1 GB या फिर 2 GB डेटा आता होगा,
तो अगर 1 GB डेटा आता होगा तो आपने गौर किया होगा कि वहां पर लिखा होता है 1024, मतलब ये जीरो नहीं होता है, ये गलत है। तो इसका मतलब है कि 1 GB में 1024 MB होते हैं। तो इस तरीके से ये जो इनकरेक्ट आंसर है वो कौन सा है, बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसरो बिल्ड इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट नोन एज, इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे हम लोग जानते हैं। पहला ऑप्शन है आपका आर्यभट्ट, दूसरा आपका भास्कर, तीसरा आपका है रोहिणी, चौथा आपका है इनसेट 1A। तो फर्स्ट की अगर बात करें तो पहला आपका है जो 1975 में बना था, इसका नाम था आर्यभट्ट। तो पहला ऑप्शन जो आपका है आर्यभट्ट, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, इसरो के द्वारा बनाया गया था। इसरो का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। के सिवन इसके हेड हैं। तो के सिवन इसके हेड हैं, फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और इस पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया था 1975 में, उसका नाम था आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंसेंटिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज, एक वस्तु समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह, यहाँ पर ये जो हिंदी लिखी हुई है इस पर ध्यान देंगे, ये गलत लिखी हुई है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रुका हुआ, एट रेस्ट। तो एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ है। तो जब कोई भी वस्तु स्थिर है तो इसका मतलब वो रेस्ट में होगी, ठीक है। अगर वो मूव कर रही है तो इसका मतलब है कि वो स्थिर नहीं होगी, ठीक है। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब वेग होता है, मतलब आगे कोई चीज़ बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। एक्सेलरेटिंग एट हाई स्पीड, तो यहाँ स्पीड की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, एट रेस्ट, जब कोई चीज़ एक जगह पर स्थिर होगी तो वह रेस्ट में होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट वर द नेम ऑफ एटम बॉम्ब्स ड्रॉप्ड ऑन जापान, जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम। पहला ऑप्शन है लिटिल बॉय फैट मैन, दूसरा ऑप्शन है लिटिल मैन फैट बॉय, अगला है आपका मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगला है आपका एक्सेलरेटिंग या हाई स्पीड। तो आपको पता है कि ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये लिटिल बॉय और फैट मैन था। लिटिल बॉय जो है ये 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था, जबकि जो फैट मैन है ये 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया था। तो इस तरीके से जो आपका ए ऑप्शन है राइट ऑप्शन है, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेट्स दैट द टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन, ये जो ऑप्शन की अगर बात करें तो लेंस लॉ, दूसरा है हुक्स लॉ, तीसरा है ओम लॉ, और अगला है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो ये जो आंसर है ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। अगर यहाँ पर ध्यान दें तो देखिए कहाँ क्या गया कि अगर कोई जंक्शन है, कोई जंक्शन का मतलब जहाँ पर कोई चीज़ आती है, यहाँ से कोई चीज़ आ रही है फिर यहाँ से कोई चीज़ जा रही है, तो कोई चीज़ यहाँ आई और कोई चीज़ यहाँ गई, तो ये किसी जो करंट है इसका प्रवेश और करंट का जो एग्जैक्टली यहाँ से बाहर निकलना है, हमेशा जो इसका जो है योग होगा वो हमेशा सम जो होगा वो इक्वल होगा। तो इस तरीके से कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने की कुल धारा उस जंक्शन में छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। तो बात सही है, भाई जितना करंट आएगा उतना ही करंट यहाँ से निकलेगा, तो ये दोनों हमेशा जितना इंटर हुआ है और जितना बाहर निकला है ये दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे।
Tell me. Next question. Under which pardoning power of the president, duration of sentence is reduced without charging या changing its character? निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है? तो पहला ऑप्शन है कम्यूटेशन, लघुकरण, दूसरा है रिमिशन, परिहार, तीसरा है रेस्पाइट, स्थगीकरण, और अगला है डिस्प्रिव प्रविलम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि दंड की प्रकृति को बिना बदले, मतलब दंड की प्रकृति में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पर अगर किसी को मान लेते हैं कि कोई सज़ा मिली है 10 साल की, 10 ईयर्स की सज़ा मिली है, तो सज़ा में की प्रकृति में कोई चीज नहीं है। ठीक है, 10 साल जो है सज़ा मिली है कि आपको जेल में रहना है, तो यहाँ पर क्या किया गया कि प्रकृति में चेंज नहीं किया गया, जेल में रहना है, लेकिन इसे कम करके क्या कर दिया गया कि 5 साल कर दिया गया। तो प्रकृति में बिना चेंज किए यहाँ पर उसकी अवधि कम कर दी जाती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिमिशन या परिहार कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। आपको पता होगा कि आर्टिकल 72 में ये पावर जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिली हुई है। नेम द इंटरनेशनल ट्रीटी साइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर फ्रॉम सीएफसी। सीएफसी में से ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम बताइए। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहला ऑप्शन है आपका सिग्मा प्रोटोकॉल, दूसरा आपका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अगला आपका है ओजोन प्रोटोकॉल, और नेक्स्ट है आपका ग्रीन प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये कनाडा में जो है इस पर कॉन्फ्रेंस हुई थी, और 46 कंट्रीज ने इस पर सिग्नेचर किया था। ये मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा में पड़ता है, यहीं पर ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो ऑप्शन जो है वो भी राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर व्हाट इज मुंह स्केल यूज्ड? मुंह पैमाने का प्रयोग किया जाता है टू मीजर ब्राइटनेस ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की चमक मापने के लिए, टू मीजर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, द्रव की विषाक्तता मापने के लिए, अगला है मीजर इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, सामग्री का लचीलापन मापने के लिए, और अगला ऑप्शन है टू मीजर हार्डनेस ऑफ मिनरल, खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खनिजों की कठोरता को मापने के लिए यूज किया जाता है मोह स्केल। तो ये जो आपका डी है ये आपका राइट ऑप्शन है। तो डी राइट ऑप्शन है, इस पर लोग ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टीपू सुल्तान वाज आल्सो नोन एज द लायन ऑफ। टीपू सुल्तान को डैश के शेर के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका बेंगलोर, दूसरा आपका दिल्ली, अगला ऑप्शन है आपका कोची, और नेक्स्ट ऑप्शन है मैसूर। तो आपने टीवी पर सीरियल भी देखा होगा द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, तो ये मैसूर वर्तमान कर्नाटक में है, यहाँ के ये शासक थे, और यहीं का इनको जो है मैसूर का शेर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु आर क्रेडिटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट फॉर एंडिंग द मुगल रूल इन इंडिया? भारत मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय दिया जाता है। ये ऑप्शन है मौर्याज, चोल, गुप्ता, गुप्ताज मराठा। तो अगर हम लोग इनकी बात करें तो मौर्याज एग्जैक्टली जो है ये 300 BC चले जाते हैं। अगर हम लोग गुप्ताज की बात करें तो ये 300 AD के आसपास की बात है। चोल भी नियर अबाउट 300 AD के आसपास, ये साउथ में। मराठा ये जो है ये मुगल जो है शासन के समय थे, तो इसका आंसर जो है ये मराठा होगा। तो मराठाओं को श्रेय जाता है मुगल शासन को खत्म करने में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू प्रोक्लेमेशन ऑफ
इमरजेंसी, भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है ऑन द एक्टिव ऑन द एडवाइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। दूसरा है ऑन द एडवाइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तीसरा ऑप्शन है इन हिज ओन डिस्क्रिशन, स्वयं के निर्णय पर। अगला ऑप्शन है व्हेन द डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट फॉर द इशू ऑफ सच प्रोक्लेमेशन हैज बिन कम्युनिकेटेड टू हिम इन राइटिंग, जब ऐसी घोषणा जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने निर्णय को लिखित रूप में राष्ट्रपति को देती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी इज डिफाइंड इन आर्टिकल 352। आपको पता है कि जो इमरजेंसी है या जो आपातकाल है, इसको लगाने की तीन कंडीशन है। पहला, एक्सटर्नल या बाह्य युद्ध, बाह्य आक्रमण कहें, बाह्य आक्रमण। दूसरा हो सकता है कि भारत का किसी देश के साथ युद्ध में शामिल होना, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। ये तीन कंडीशन है जब भारत में 352 लगाया जा सकता है। अच्छा, ध्यान रखिए, ये ऐसा जरूरी नहीं कि जब ये हो जाए तभी लगाया जाएगा। अगर इनकी आशंका भी है कि बाह्य आक्रमण भारत पर हो सकता है, या भारत किसी देश के साथ युद्ध में शामिल हो सकता है, या भारत में सशस्त्र विद्रोह होने के चांसेस हैं, अगर ऐसी कंडीशन या ऐसा आभास हो जाए तब भी भारत के अंदर 352 के तहत इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब एक बात और आपको ध्यान देनी है, वो ये देनी है कि 1975 में हमारे देश के अंदर जो है वो इमरजेंसी लगाई गई, और ये जो इमरजेंसी लगाई गई, यहाँ पर जो सशस्त्र विद्रोह लिखा हुआ है, इसकी जगह पर लिखा था कि भारत में जो है असंतोष, असंतोष की भावना यहाँ पर लिखी थी कि अगर असंतोष की भावना है जनता में तो आपातकाल लगाया जा सकता है। और इसी को बेस बनाते हुए, असंतोष को बेस बनाते हुए 1975 में भारत के अंदर इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन जब जो है इमरजेंसी खत्म हुई और मोरारजी देसाई, मोरार जी देसाई की गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इस असंतोष वर्ड को यहाँ से हटा दिया, और यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह वर्ड को ऐड कर दिया है, और साथ में लिख दिया कि प्रेसिडेंट जब आपातकाल की घोषणा करेंगे तो उससे पहले रिटेन फॉर्म में, जो मंत्रिमंडल है ये रिटेन फॉर्म में या लिखित फॉर्म में ये राष्ट्रपति को सूचित करेगा, तब राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा करेगा। केवल जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसको नहीं लगाया जाएगा, या प्रधानमंत्री के कहने पर नहीं लगाया जाएगा। ये तब लगाएगा जब मंत्रिमंडल जो है एक लिखित रूप में राष्ट्रपति को देता है ये, और घोषणा करता है कि भारत में आपातकाल की आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति इसको लगाएगा। तो ये बात ध्यान देंगे, ये आर्टिकल नंबर 352 में वर्णित है। और 352 में क्या लिखा हुआ है, किन किन बेसिस पे आपातकाल लगेगा। पहला कारण बाह्य आक्रमण हो सकता है, दूसरा भारत का किसी देश के साथ युद्ध में शामिल होना, और अगला सशस्त्र विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स बैक डिऑक्सी जेनरेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी टू हर्ट, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है। तो पहला ऑप्शन है वीन्स या नसें, दूसरा है आर्टरीज धमनियाँ, दूसरा है नर्व्स तंत्रिकाएं, अगला है लंग्स। तो हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन रहित रक्त, मतलब यहाँ पर बिना ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो यह आंसर है वेंस। अगर हम लोग रक्त सहित बात करते तो ये लंग्स के माध्यम से आती है, बाएं आलिंद के अंदर, बाएं आलिंद में
के माध्यम में जो है ये लंग्स के माध्यम से आती है और ये रक्त के साथ होती है। अगर रक्त रहित की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा विल्स। व्हाट इज निक्की, निक्की क्या है? तो शेयर प्राइस इंडेक्स ऑफ टोक्यो शेयर मार्केट, टोक्यो शेयर बाजार का शेयर मूल्य सूचकांक, नेम ऑफ जापानीज सेंट्रल बैंक, जापानी सेंट्रल बैंक का नाम, जापानीज नेम ऑफ कंट्रीज प्लानिंग कमीशन, देश की योजना आयोग का नाम जापानी, जापान के, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑफ जापान, जापान की विदेश मुद्रा बाजार। तो ध्यान रखिए ये निक्की, जैसे हमारे यहाँ पर है सेंसेक्स, तो सेंसेक्स क्या है या हम कहें निफ्टी, निफ्टी क्या है? तो आप कहोगे सेंसेक्स जो है ये BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, निफ्टी जो है वो NSE का इंडेक्स है। ऐसे ही जापान का जो इंडेक्स है इसका नाम है निक्की। ये जो टोक्यो शेयर मार्केट है इसका जो इंडेक्स है इसका नाम है निक्की। तो पहला ऑप्शन जो आपका है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट कर चलते हैं। द टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर, भारत के संविधान के कौन से दो अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका आर्टिकल 21, 446, अगला है आर्टिकल 32, 226, अगला है आर्टिकल 44, 152, और अगला आर्टिकल 17, 143। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत के संविधान के कौन से दो अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा, मतलब जो है सरकार ने अगर कोई नियम बनाया है, कोई विधि बनाई है, तो उसका पुनर्विलोकन की बात कर रहा है। तो पुनर्विलोकन का जो पावर है वो आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 में है। तो आंसर जो है वो भी आपका राइट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 0,5-TC प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा एक 0,5 पौधा है? पहला ऑप्शन है आपका मस्टर्ड, दूसरा है अम्ब्रेला, तीसरा है आपका अगावेज और चौथा है आपका नीम। तो अगर हम लोग बात करें कि ये 0,5 निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आंसर होगा अगावेज। अगावेज ऐसे पौधे होते हैं जो कम पानी में भी सरवाइव कर जाते हैं। वो एरिया आपका रेगिस्तान भी हो सकता है, या फिर आप आर्कटिक की बात कर सकते हैं, आर्कटिक जैसे क्षेत्र में भी ये उग जाते हैं। तो ये पौधे जो है एगोव कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलता है। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बिल वॉज पास्ड बाई द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन, ये पर्यावरण संरक्षण विधेयक या अधिनियम कह सकते हैं, वॉज भारत की संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1986, दूसरा है 1972, तीसरा 1981, चौथा है 1984। आंसर है ए 1986। तो पर्यावरण संरक्षण विधेयक जो आया था आपका वो 1986 में आया था। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, आर्थिक विकास आमतौर पर संयोजित है। पहला ऑप्शन आपका है डिफ्लेशन, दूसरा है इन्फ्लेशन, तीसरा है स्टैगफ्लेशन, चौथा है हाइपरफ्लेशन। अब देखिए यहाँ पर बात किसके कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है, इकोनॉमिक या आर्थिक वृद्धि की बात कर रहा है। डिफ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो डिफ्लेशन वो कंडीशन होती है जब इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो नीचे चली जाती है। स्टैगफ्लेशन ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर रिसेशन, यहाँ पर रिसेशन और इन्फ्लेशन दोनों कंडीशन नजर आती है, मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। और हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब ऐसी सिचुएशन जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा का मतलब मनी की वैल्यू जो होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ध्यान रखिए कि मुद्रा स्फीति वह दशा है जब जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तेजी से बढ़ती है। तो जो ऑप्शन है आपका वो इन्फ्लेशन बिल्कुल राइट ऑप्शन है।
अब कई बार भी पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ है या ख़राब चीज़ है, तो हमेशा ध्यान रखिए इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज गुड। इन्फ्लेशन जो है ये हमेशा गुड होगी, अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन है तो डिमांड है, डिमांड है तो प्रोडक्शन होगा या सप्लाई होगी, सप्लाई होगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा। तो ये सिचुएशन सबसे बेहतर होती है जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, इन सब के कंपेरिजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज अनाउंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मौद्रिक और ऋण नीति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड सेंटर, केंद्रीय वित्त जो है मंत्री के द्वारा, अगला है आरबीआई, तीसरा है एसबीआई, चौथा है प्लानिंग कमीशन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता है, इसमें बिल्कुल जो है परेशानी की जरूरत नहीं है। इसका जो आंसर है वो है आरबीआई। जो मौद्रिक नीति है, जो ऋण नीति है, इसकी घोषणा कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें आपने पढ़ा होगा जैसे सीआरआर, एसएलआर, मेनली जो क्रेडिट पॉलिसी है उसमें आपने पढ़ा होगा बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या इस तरह के टर्म्स। तो मॉनेटरी और जो क्रेडिट पॉलिसी, ये दोनों आरबीआई इशू करता है। चलिए, द सब एटॉमिक पार्टिकल दैट डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन, वह सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। तो ये जो आपका कह सकते हैं कि किसी भी एटम के अंदर, अगर हम एटम की बात करें, किसी भी एटम में ये तीन चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। लेकिन न्यूट्रॉन ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत आवेश नहीं होता है, विद्युत आवेश नहीं होता है। तो ये जो ऑप्शन आपका है न्यूट्रॉन, ये राइट ऑप्शन है। चलिए सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर टू प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन पावर सप्लाई। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत आपूर्ति के वास्तविक काल में सूचना साझा करने के लिए शुरू की गई ऐप का नाम क्या है? पहला है ऊर्जा मित्र, दूसरा है भीम, तीसरा है ऊर्जा, और अगला है उमा। तो ऊर्जा, चूंकि यहाँ पर विद्युत की बात कर रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर ये समझ में आ जाती है कि बात एग्जैक्टली किसकी बात हो रही है, ऊर्जा। तो ये ऊर्जा मित्र नाम का एक एप्लीकेशन जो है मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है, और इसका उद्देश्य जो है वो रियल टाइम पर, मतलब तुरंत जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक साझा की जाए। तो ये ऑप्शन है आपका, बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जाता है। आज हम लोगों ने जीएस के जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से जो है कुछ जीएस के क्वेश्चन लेकर आएंगे और फिर डिस्कशन करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।